सबसे पहले आपको ये पेंसिल वाले में जाना है, उसके बाद आपको विंटेज में जाना है, ये वाले टूल्स में। उसके बाद आपको ये सबसे लास्ट वाला 12 वाला है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके ब्राइटनेस को मैं 11 तक रखना है, सेचुरेशन को आपको एकदम कम कर लेनी है, -100। स्टाइल स्ट्रेंथ को हम 24 पे रखेंगे और विगनेट को हम 29 पे, ठीक है। ये सेटिंग आप देख लेना, यहाँ से आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको ये वाले टूल्स में जाना है, इसमें जाने के बाद व्यू एडिट्स में जाना है। व्यू एडिट्स के बाद इसमें टच करना है और बीच वाले आइकन को टच करना है। अब इसको जो भाग हमको सेलेक्ट नहीं करना है उसको अनसेलेक्ट कर लेंगे हम, तो ठीक है। ये वाले इस पे टच करना है और अब आपको जहाँ अनसेलेक्ट करना है उसको अनसेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ जल्दी से कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ से कर ली, यहाँ से डन करना है आपको। आपको बैक चले जाना है और फिर से वो पेंसिल वाले टूल्स में जाना है। इसके बाद यहाँ स्लाइड करना और डबल एक्सपोजर में जाना है। आपको ब्लू वाला इमेज ले लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना ये वाला। इसको हम लाइटन करके देखते हैं पहले, ये सही नहीं लगेगा। इसके बाद आपको सबस्ट्रैक कर लेना है, नहीं सबस्ट्रैक कर लेना, और इस वाले आइकन को और उसकी ओपेसिटी आपको कम कर लेनी है थोड़ी। इसके बाद यहाँ से आप देख लेना पहले इसकी सेटिंग और यहाँ से डन कर लेना है। इसके बाद आपको ये वाले टूल्स में जाना है वापस, जो हम गए थे उसमें, उसको हम इरेज करेंगे, जो हमारे मुंह पे जो आ रहा है उसको हम इरेज करेंगे। इसको इस वाले टूल्स में जाना है, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। तो मैंने इसको इरेज कर लिया, यहाँ से डन कर लेना आपको और फिर से वापस बैक चले जाना है। इसके बाद आपको फिर से पेंसिल वाले टूल्स में जाना है और इसको डिटेल में ले जाना है। डिटेल वाले टूल्स को ओके कर लेना है और स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को हम 16 पे कर लेंगे और शार्प को हम 9 पे कर लेंगे, तो यहाँ से डन करेंगे। इसके बाद हमें फिर से वही टूल्स में जाना है, पेंसिल वाले में। इसके बाद ट्यून इमेज में जाएंगे हम, इसके कंट्रास्ट को हम बढ़ाएंगे हम 4 पे और सेचुरेशन को हम 7 पे रखेंगे। ब्राइटनेस को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे और एम्बिशंस को हम 16 पे करेंगे और 8 पे करेंगे। इसको शेडो को हम प्लस में रखेंगे और वार्म को हम -14 पे रखेंगे। यहाँ से हम डन करेंगे इसको। फिर इसके बाद हमें इस वाले टूल्स में जाना है। इसके बाद हमें डबल एक्सपोजर में जाना है, जो बुके वाला इफेक्ट है वो हमें लगाना है इसके ऊपर। इसके लिए हम यहाँ इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको बराबर से एडजस्ट करके रख लेना आपको और लाइटन पे क्लिक कर लेना आपको। इसके
इसकी ओपेसिटी आपको थोड़ी सी कम कर लेनी है जितनी चलेगी, और यहाँ से डन कर लेना है। वापस हमको इरेजर में जाना पड़ेगा, जो मुंह पे जो भाग आ रहा है उसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। वापस हम इसको इरेजर में ले जाएंगे, हम इसको इरेजर में व्यू एडिट्स में जाना है। इसके बाद हमें डबल एक्सपोजर में जाना है। डबल एक्सपोजर में जाके हमको इसको ये चेहरे पे जो आ रहा है उसको हमें हटाना पड़ेगा। ज़ीरो पे कर लेंगे ब्रश को और इसको हटा देंगे यहाँ से। इसके बाद हमें वापस बैक जाना है और हमें इसके बाद सिलेक्टिव टूल्स में जाना है। सिलेक्टिव टूल्स में जाके हमें ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी चेहरे की, उसको बराबर से रख लेंगे हम। ब्राइटनेस को 7 पे रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम 20 पे कर लेंगे और सेचुरेशन को रहने देंगे जैसा। ये स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, 25 पे कर लेंगे। यहाँ से डन करेंगे हम। अब हम इसको सेव कर लेंगे फ़ोटो को, और इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे, थोड़ा रिटच कर लेंगे फ़ोटो को। ठीक है, लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना इस इमेज को। आपको हमने इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको लाइट्स में जाना है। लाइट्स में जाके आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना पड़ेगा अराउंड 31 के आसपास, और शेडो को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 40 के आसपास, और वाइट को भी हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 47 के आसपास, और ब्लैक को हमें माइनस कर लेना है 38 से ऊपर 45 के आसपास। आपको फिर से ये क्या हो गया, कलर्स वाले टूल्स में जाना है। उसके बाद टेम्परेचर को माइनस में कर रख लेना, नहीं माइनस में नहीं रखना है, इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ा 10 पे, और टिंट को हमें माइनस पे रख लेना है 11 पे रख लेंगे, और वाइब्रेंस को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं माइनस कर लेंगे इसको भी हम 40 पे कर लेंगे, 38 या 40 पे कर लेना चलेगा, और सेचुरेशन को हमें 6 पे कर लेना है। मिक्स वाले टूल्स में जाना है, उसमें जाके सबसे पहले वाले कलर को लेना है, रेड को, ह्यू को हमें 26 पे करना है, और सेचुरेशन को हमें बढ़ा लेना है 100 पे, नहीं माइनस बढ़ा लेना है हमें। इसके सेकंड वाले कलर्स में जाना है, उसको ह्यू को हमें 10 पे या 12 पे रख लेना है, सेचुरेशन को हमें माइनस कर लेना है 22 के आसपास, और लुमिनस को हमें बढ़ा लेना है 21 पे, और येल्लो पे जाना है। येल्लो को हमें ह्यू को 41 के आसपास कर लेंगे, 39-41 के आसपास कर लेंगे, माइनस कर लेंगे सेचुरेशन को 100 पे, माइनस 100 पे, और ग्रीन वाले कलर पे आ जाना है। इसको आपको थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं करना, ब्लू वाले में आ जाएंगे। ब्लू वाले को ल्यूमिनस को हम बढ़ा लेंगे 55 के माइनस पे, और सेकंड वाले ब्लू पे आ जाएंगे, तो इसकी ह्यू को हमें 31 पे करना पड़ेगा, माइनस 31 पे, सेचुरेशन को हमें 19 पे करना पड़ेगा 19 पे, और ल्यूमिनस को हमें 30 के आसपास करने का पड़ेगा माइनस पे, और इसमें आ जाएंगे हम, ह्यू को हमें 74 पे करना पड़ेगा, और सेचुरेशन को हमें 46 पे कर लेंगे। अब आप ये लास्ट वाले कलर को आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डन कर लेना है। इसके बाद नीचे वाले टूल्स में आ जाना है, इस वाले टूल्स में, इसको हमें कहीं भी नहीं छेड़ना है, सिर्फ डी है इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे 20 पे, 10 के आसपास कर लेंगे, और विगनेट को हमें माइनस कर लेना है 36 के ऊपर, देख लेना आप ये। इसके बाद ये नीचे वाले टूल्स में आ जाना, ये वाले टूल्स में, इसको शार्पनिंग को हम बढ़ाएंगे 71 या 72 के आसपास, रेडियस को 1.00 पे, और डी एस को हम, नहीं डिटेल को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे 22 के आसपास, नॉइस रेडिएशन को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे
नो इज रेडिएशन बम। हाँ तो ये बराबर है, आप देख सकते हो ये फोटो बनकर तैयार है। इसको शेयर पे क्लिक करना और सेव टू डिवाइस कर लेना तो अंदर सेव हो जाएगी।